गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों? मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विशव साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ भाई। और अभी हम हैं दारासलम में। आज हम थोड़ा सा दारासलम के अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर का मतलब एक यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की एक स्ट्रीट है, जिस स्ट्रीट का नाम तो मुझे याद नहीं है, वहाँ जाके मैं आपको बताऊँगा। मेरे साथ में मामा छाया के ड्राइवर, और वो मुझे लेके जा रहे हैं। और मेरे साइड में ये जो है ये अमेरिकन एम्बेसी है। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? रेनुस। रेनुस? रेनुस, यस, रेनुस। या, ओह, नाइस टू मीट यू रेनुस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और दोपहर को ही हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो अटेंड करेंगे। और देन सो टुमारो अर्ली मॉर्निंग वी स्टार्ट आवर राइड टूवर्ड द किलिमंजारो। और वहाँ से हम देखते हैं किलिमंजारो कैसे चढ़ पाते हैं कि नहीं पाएंगे। तो आने वाले कुछ वीडियोस जो हैं वो बड़े मस्त होने वाले हैं किलिमंजारो तक, क्योंकि अब मुझे से यानी कि आने वाले वीडियोस में अपना वो पुराने वाला बाबा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो सॉरी यार, पिछले काफ़ी वीडियोस में मैं प्रॉपर वीडियोस राइड ही नहीं कर पा रहा था, तो प्रॉपर वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था, क्योंकि साइक्लिस्ट और ट्रैवलर से ज़्यादा एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो वो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी वजह से मैं ट्रैवल की वीडियोस प्रॉपर नहीं बना पाता हूँ। तो उस वजह से हम थोड़े से स्लो चल रहे थे, बट अब ठीक है, अब हम सही हैं। तो देखते हैं, सामने पुलिस वाले भैया खड़े हैं गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी है। सो गाइस, मैं आ गया हूँ सिटी सेंटर में। जो सिटी सेंटर में एक यहाँ पे एक इंडियन स्ट्रीट है यार, यहाँ पे तो उस पर पहुँच गया हूँ। तो सामने जो है पंजाबी तड़का है, और वो मिठाई वाला, इसके साथ में कैनरा बैंक है, छप्पन भोग की शॉप की दुकान है, वहाँ कॉर्नर पे एक चाइनीज़ की दुकान है। ये इंडियन स्ट्रीट ही बोलते हैं इसको मैक्सिमम लोग, पर्टिकुलर नाम क्या है वो मुझे पता नहीं, बट ये यहाँ से लेकर लगभग 500 मीटर तक दो स्ट्रीट हैं, एक ये और एक इसके पैरेलल में है। तो दोनों स्ट्रीट में इंडियन मंदिर, धर्मशाला, ओम इंटरप्राइजेज आ गया, स्वास्तिक रेस्टोरेंट आ गया प्योर वेजिटेरियन, और वो चौपाटी है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं भाई, ये देखिए श्री सनातन हिंदू मंदिर, ये सबसे बड़ा मंदिर है, ये यहाँ का मेन मंदिर है। एक अंदर टेंपल और है, और ये बड़ 120 साल पुराना बता रहे हैं। ये तंजानिया है भाई, इंडिया नहीं है। आप देखिए इसके बिल्कुल सामने जो है वो श्री शंकराश्रम है, ये भी काफी बड़ा आश्रम है। बिल्कुल इसके साथ में श्री हनुमान फिजिकल कल्चर है, 1937 का बना हुआ ये कल्चरल सेंटर है, कल्चरल इंस्टीट्यूट है, ये अभी भी वैसे का वैसा ही रखा गया है। और ये साथ में कृष्णा टावर है, ये पूरी बिल्डिंग ये सारे इंडियंस की है, यहाँ पे इंडियंस ही रहते हैं सारे, हम इनको इंडियंस बोल सकते हैं, बट ये काफ़ी जनरेशन इनकी यहाँ पे हो चुकी है। और ये गर्ल्स कॉलेज है, ये बिल्डिंग जो है श्री हिंदू महिला मंडल की है, ये राम मंदिर है भाई। आप सोच रहे होगे यार तू कहाँ पे आ गया ऐसे सोच रहे हो, हरिद्वार या फिर कोई ऐसे धार्मिक स्थल पे आ गया क्या? बट ये सच्चाई है यार, ये कोई और टेंपल है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है शायद, कुछ बन रहा है इसमें, इसको तैयार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है दोबारा से, लिखा हुआ नहीं है कि किस चीज़ का है ये। ये इंडो तंजानियन कल्चरल सेंटर और लाइब्रेरी है, तो ये काफ़ी पुराने लाइब्रेरी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट।
ये स्वामीनारायण टेम्पल आ गया भाई, बाप्स का बाप्स स्वामीनारायण टेम्पल, अभी तो बंद है। ये ब्रह्म मंडल का एक टेम्पल आ गया, ये पंजाबी हिंदू श्री सत्संग, सारे की सारी इंडियंस की बनाई हुई है पुराने हिसाब से, वो तरीका है ना, नीचे दुकान, बीच में स्टोरेज, ऊपर स्टाफ का, और उससे ऊपर ओनर का मकान। अब हम दूसरी साइड जा रहे हैं, एक पीछे की गली और है, उस गली की तरफ निकल लिए भाई। सामने जो है ससी हाउस 1932, ये है नटवर हाउस 1948, और वो सामने लिखा हुआ सत्यमेव जयते 1931, और ये डायमंड बिल्डिंग है, ये नई बनी है थोड़ी साइड, और ये चौक है, एक छोटा सा चौक के ऊपर ये मतलब पूरा उस टाइम का सब पूरी बिल्डिंग्स, जो पूरा एरिया है वो इंडियंस का ही बसाया हुआ है 1932। अब आगे क्या है कि पुरानी बिल्डिंग्स को थोड़ा बहुत तोड़ दिया गया है और नई बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी है। किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि आप किसी दूसरे देश में हो, सारी वही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंगें, द टेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सामने एक नमकीन की दुकान है, उसके साथ में पूजा की सामग्री की दुकान है। लोग भी आपको काफ़ी इंडियन घूमते हुए मिल जाएंगे यहाँ पे, करीम मैंसन। यहाँ पे क्या है कि कुछ बिल्डिंग्स जो हैं जिनका कोई ओनर नहीं रहा था, वो गवर्नमेंट ने ले लिया है, और गवर्नमेंट फिर उनको रेंट पे देती है, लीज़ पे देती है, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए, थोड़ा नॉमिनल सा उस पे रेंट पर मंथ के हिसाब से। ये पीछे मुंबई हेयर ड्रेस और ये पंजाबी तड़का, तो घूम फिर के हम उसी जगह पे फिर आ गए हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे गुरुद्वारा साहिब की तरफ, तो अभी मैं मामा चाय का वेट। वो आगे मैम, हम आगे गुरुद्वारा साहिब पे मैम के साथ में, मैम गाड़ी में बैठे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार गुरुद्वारा साहिब जाऊँ। गुरु तेग बहादुर जी दरबार साहिब जा रहा हूँ। लो जी, दरबार साहिब से मत्था टेक लिया, हुण चलते हैं आपां वापस। इत्थे कोई लोग थे मैंने देखे नहीं, पाठी जी भी नहीं थे, तो वो अच्छा बना हुआ है कैंपस पूरा गुरुद्वारा साहिब का। और यहाँ से अब हम एक बार लोकल मार्केट घूम के आ रहे हैं भाई। आजकल यहाँ पे सारी बजाजी जो है वो TVS की हो गई है, बजाज की नहीं रहेगी, TVS की गाड़ियाँ हो गई हैं सारी। ये तो अपना जो दिल्ली में बाज़ार है ना, सदर बाज़ार, उस जैसा बाज़ार है, टोटली पॉपुलेशन यहाँ पे आई हुई है। अभी तो हम सिर्फ कपड़े और जूतों की उसमें आए हैं, रो में आए हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की और के सब पार्ट अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। तो भाई यहाँ पर इंडियन आने से डरते हैं मैक्सिमम, पर मैडम छाया मुझे लेके आ गए, वो डरते नहीं हैं, तो उनके साथ में हमें भी घूमने का मौका मिल गया, अदरवाइज इस एरिया में लोग आते नहीं हैं। हम आ गए लंच करने के, और लंच आज ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा कर लिया था मैंने, तो मैंने तो अपना दही से काम चला रहा हूँ। मैम क्या खाएंगे वो दिखाता हूँ आप। मैं यार, मैं ना पता है इतना खा रहा हूँ पिछले 3 दिन से, आप कहोगे कि यार रोज़ाना खाना ही खाना दिखा रहे हैं। इडली बड़ा, इडली सांभर, चटनी यहाँ पे देते हैं। ये चटनी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वाली तो यहाँ पे हर जगह मिल जाएगी आपको। और अभी भी हम TMJ हॉस्पिटल में ही हैं, और हमें 3 दिन हो गए, तो आज हम जब भी जा रहे हैं भाई थोड़ा सा फिजियोथेरेपी, थोड़ी सी राइड की तो थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया था यार। एक बार हम TMJ हॉस्पिटल की दूसरी मल्टी स्पेशलिटी ब्रांच है उसमें जा रहे हैं मैडम छाया के साथ में, तो वहाँ जाके आएंगे और फिर वहीं से लंच करते हुए वापस आएंगे, तो चलते हैं भाई।
देन वी हैव अ क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, वो जो भी है वो लेके बैठ जाते हैं कि जब टर्न आता है तब जाते हैं, तो देयर इज नो क्यूइंग अप. ऑक्सीजन का डायरेक्ट सप्लाई है, सेंट्रल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लगाया है, मॉनिटर है. तो यूजुअली कोई भी क्लिनिक ऐसे नहीं है. ईसीजी दो, ये फीमेल का है, डीफैब भी रखा है, इंजेक्शन रूम वो भी विद ऑल इमरजेंसी मेडिसिन एवरीथिंग इट इज. थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज सर. आई डिपार्टमेंट, हेलो हाउ आर यू, ओके. हे यू आर हैप्पी. Hey, how are you? Yeah, this is our MRI. ABC Men's. Yes. Guys, problem क्या हुई कि मेरा still थोड़ा सा pain हुआ. परसों मैंने जब राइड करके यहाँ पे आया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना दो तीन दिन जब तक यहाँ पे फिजियोथेरेपी करवा ली जाए. तो अभी डॉक्टर साहब नहीं है फिजियोथेरेपी, तो दो तीन दिन हम फिजियोथेरेपी रेगुलर करवाएंगे. थैंक यू सो मच. और कैसे हैं आप? बढ़िया. ये हमारे राम जी हैं हॉस्पिटल में. हेलो सर, सब डायलिसिस चल रहे हैं सभी पेशेंट का. टीएमटी है. मैं हो गया थोड़ा लालची, माता को बोला कि माता जाने से पहले आपके हाथ के परांठे खाने हैं. देशी स्टाइल है आज पूरा. तो माता रात को ऊपर परांठे बना रही हैं, टेरिस पे बैठे हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, पर माता मेरे लिए स्पेशल परांठे तैयार कर रही है. छुप छुप के मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई. मज़ा आ गया आज तो परांठे खा के. आई हाय, देसी घी लग रहा है पूरा.